समाजवादी के कदावर नेताओं में से एक राजपाल कश्यप जी जो छात्र राजनीति से निकले हैं, मैं उनसे सिर्फ एक क्वेश्चन करूंगा छात्र राजनीति पर। राजपाल कश्यप जी, आप छात्र राजनीति से निकले हैं, वर्तमान समय में आप छात्रों और युवाओं का रूप कहां देख रहे हैं? ये अलोकतांत्रिक सरकार आ गई है जो लोकतंत्र को नहीं पसंद करती, इसीलिए तो छात्र संघों पे ताले लगवा दिए, जहां से गांव गरीब किसान का बेटा निकलकर और नेता बनता है और लोकतंत्र की लड़ाई लड़ने का ये मैं खड़ा हूँ। ये मल्लाह निषाद का बेटा, मछली और नाव चलाने वाले का बेटा अगर सरकार चलाया तो किसकी बदौलत चलाया? समाजवादी की बदौलत। ये राजेश यादव जी खड़े हैं, ये भी छात्र संघ से निकले। कितने लोग छात्र संघों को आपके जिले के मंत्री रहे हैं, वो भी छात्र संघ से। अरविंद सिंह गोप जी, कितने छात्र संघों को नेताओं को, निकले हुए नेताओं को शीर्ष और MLC और विधायक और मंत्री बनाने का काम किया। ये तो खत्म कर दिए, खत्म कर दिए। ये तो गुंडे बदमाशों को चाहते हैं राजनीति में, अपराधियों को चाहते हैं, भ्रष्टाचारियों को बीजेपी के लोग चाहते हैं। अब सबसे ज्यादा अपराधी और गुंडे और बदमाश और माफिया कहीं है तो वो बीजेपी में है। बताओ, गृह मंत्री धमकी दे रहा, गृह मंत्री किसानों को उनका बेटा कुचलने का काम करता, उसके बाद धमकी देने का काम करते हैं, पत्रकार जब सवाल करते हैं उनको धमकाने का काम करता। आज तक बीजेपी ने कोई कार्रवाई नहीं की, क्योंकि गुंडों की पार्टी है। और ये लाल टोपी लगा के विज्ञापनों तक में छपवा रहे हैं। बताइए कितनी शर्म की बात है कि लाल टोपी लगा के पेपरों में विज्ञापन छपवाए जा रहे हैं, होर्डिंगें लगाई जा रही हैं, बदनाम करने के लिए सरकारी पैसे का दुरुपयोग किया जा रहा। कहाँ है चुनाव आयोग, कहाँ है स्वतंत्र संस्थाएं और ये पैसे का दुरुपयोग? लेकिन जनता जान चुकी है, इसके कोई झांसे में आने वाला नहीं है। माननीय अखिलेश यादव जी के साथ में खड़ी हो गई जनता, इसीलिए बौखलाए हुए हैं, नाना प्रकार से माननीय अखिलेश यादव जी की छवि खराब करना चाहते हैं। लेकिन ये जितनी कार्रवाई करेंगे उससे और समाजवादी पार्टी मजबूत होगी और उतने ही प्रचंड बहुमत के साथ में इनका सफाया करने का काम करेगी। अच्छा, बाराबंकी में 6 की 6 सीटें आपके पास थी, वर्तमान समय में आप क्या, मतलब आप क्या कहना चाहते हैं? अब 6 की 6 जीतेंगी और बीजेपी की जमानत जब्त होगी। सारी की सारी सीटें आपकी सब? अरे कहां, कौन सी सीट जीत रहे, कौन विधायक जीत रहा बता दो ना। बीजेपी का एक विधायक बता दो जो वर्तमान में हो जीत रहा हो, बताओ ना। और या जनता पूछ लो जाके, ये विधायक जीत रहा क्या? अरे मुख्यमंत्री को जनता दौड़ा रही, उनकी जनविश्वास यात्रा चल रही, जनता ही नहीं जुट रही। और वो जनविश्वास यात्रा नहीं, वो बीजेपी की अंतिम यात्रा है। इंडियन ओपिनियन से अजय वाजपेयी के साथ प्रदीप पांडे।